निगरान वज़ीर आज़म की मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान सरमायाकारी के मुतालिक मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने आज अबूजैबी में मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से दो तरफा मुलाकात की। इस मौके पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिफ मुनीर भी मौजूद थे। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान तारीखी और गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं जो वक्त की कसौटी पर पूरा उतरे हैं। उन्होंने पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान दो तरफा स्ट्रेटेजिक तावन और बातचीत को मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इदा किया। वज़ीर आज़म काकड़ ने इक़्तिसादी और मालियाती शोबे में मुत्तहिदा अरब इमारात की जानिब से पाकिस्तान के लिए भरपूर तावन पर गहरे शुक्र का इजहार किया। मुलाकात के दौरान मकबूजा फलस्तीन में इंसानी हकूक की बिगड़ती हुई सूरत हाल के हवाले से खसूसी तौर पर इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने बैन अल-अक़वामी कानून और अक़वामी मुत्तहिदा और OIC की मुतलका करारदादों के मुताबिक मसला फलस्तीन के मुनसफाना और पायदार हल के लिए पाकिस्तान की हिमायत का भी इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के दरमियान तवानाई, पोर्ट ऑपरेशंस प्रोजेक्ट्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, फूड सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक, मादनियात और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के शोबों में सरमाकारी के तावन से मुतालिक मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत का मुआहदा किया। ये मुफाहमत नामे मुत्तहिदा अरब इमारात से पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमाकारी को खोलेंगे और स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के तहत तस्वर किए गए मुख्तलिफ इकदाम को पूरा करने में मदद करेंगे। वज़ीर आज़म ने मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत को एक तारीखी वाकया करार दिया जिससे पाक मुत्तहिदा अरब इमारात इक़्तिसादी शराकत दारी के नए दौर का आगाज होगा।